नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। टोपोलॉजी जो है हम सेम ही यूज करने वाले हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे रिप इस्तेमाल कर ली है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लिया है, एआईजीआरपी इंप्लीमेंट कर लिया है एंड ऑल्सो द बीजीपी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो रिप, ओएसपीएफ और एआईजीआरपी तीनों के अपने अलग अलग यू नो सब डोमेन्स है। एक तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे चेक करो कि अगर तुम चेक करोगे शो राउट, ठीक है ना, तो तुम्हें बीजीपी को बोल जाओ, ठीक है ना। हम आईजीपीज के अंदर ही रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कर तो आप बीजीपी में हो सकते हो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। तो ओएसपीएफ और एआईजीआरपी एंड रिप आपके पास एंट्रीज पड़ी। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर तुम चलो एएससी से तो हर जगह आ ही जाएगा पिंग, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं अगर इसकी बात करूं तुम्हारे क्या बोलते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे हम इसको, रिप में मेरे पास अगर आप चेक करोगे ना, डू शो आईपी रूट, तो यहां से मैं क्या कर पा रहा हूँ, सिर्फ जो रिप रिप की एंट्री दिख रही है वहीं तक आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जा सकते हो। लेकिन अगर तुम बोलो राउटर टू से राउटर थ्री राउटर फोर, इनको क्या तुम रीच कर सकते हो, नहीं कर सकते। मीन्स अगर तुम बोलो कि अगर मैं राउटर फोर ई आई जी आर पी वाले पे जाना चाहूँ, 4.4.4, नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर तुम आर थ्री पे चेक करोगे तो वहां पे तुम्हारे पास शो आई पी रूट अगर करो तो इसके पास सिर्फ क्या है, अपने कनेक्टेड रूट और एक स्टैटिक रूट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो तुम 1.1 पे 2.2 पे 4.4 पे कहीं नहीं जा सकते। अब तुम चाहते हो कि ओएसपीएफ के जो रूट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाए रिप में और ईआईजीआरपी में, रिप के जो रूट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाए ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी में, और ईआईजीआरपी के जो रूट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाए ओएसपीएफ और रिप में, ठीक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा कहाँ पे, एएसए पे। सेंटर में कौन है आपका, एएसए। ऐसा कौन डिवाइस है जिसके पास सारे रूट्स पड़े हैं, आपका एएसए के पास गेटवे है ना, एएसए, तो गेटवे ही रिडिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। तो कैसे करना है, अब आपको देखो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि रिप में आपको रिडिस्ट्रीब्यूट कराना है ओएसपीएफ ईआईजीआरपी, ठीक है ना। तो जैसे ही लेट मी शो यू दिस, जैसे ही चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं हम, पहले इनको देख ले। एटलीस्ट वन वर्किंग फिजिकल लिंक इन ईच राउटिंग डोमेन, जैसे मेरा फायरवॉल है, ठीक है ना, तो इसका एक एक लिंक आपका रिप में भी है, एक लिंक ईआईजीआरपी में भी है, और एक मींस क्या हुआ, अगेन वही गेटवे वाली बात ना, जिसको सबका पता हो वही रिडिस्ट्रीब्यूट करा सकता है। अब एएसए को सबका सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स का पता है। नेक्स्ट, ओनली routes प्रेजेंट इन राउटिंग टेबल कैन बी redistributed इन एएसए। देखो जो पता ही नहीं है जिस आपके डिवाइस को, गेटवे को, वो दूसरे को क्या बताएगा, तो जो खुद उसकी राउटिंग टेबल में रूट होंगे वही तो बता पाएगा ना किसी को, राइट। वेन रिडिस्ट्रीब्यूटिंग रूट्स इंश्योर मैट्रिक कंपैटिबिलिटी, ये मैं अभी यही बताने लगा था, बट ठीक है इसको होल्ड करो। राउटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज हैपन्स ऑन आउटबाउंड डायरेक्शन, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। चलो जी, तो बात कह रहा है कि रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू नो ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी इनटू आरआईपी। रिप में आपको देखो एएसए पे कुछ नहीं आपको वो है एक्स्ट्रा करने वाली बात है, सिर्फ ये जो काम आप कहाँ कर रहे हो, देखो हाँ एक्चुअली एएसए पे ही करने वाली बात है, राउटर्स पे करने वाली बात नहीं है। मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था एएसए, बट आप इम्प्लाइड मानना उसको। ये सब जो मैं बातें लिख रहा हूँ, ये वाली ये सब कहाँ पे है आपकी, एएसए पे दिख रहा है ना, ये सब कहाँ कर रहा हूँ मैं, आपकी अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस सिस्को फायरवॉल पे। चलिए, तो अब पहला मैं काम क्या कर रहा हूँ, देखो मैं जैसे ही बोलूँ कि रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट कराओ, मीन्स ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी को रिप में डालो, तो पहले आपको लिखना है रिप। तो ये लिखते ही समझ जाओ कि रिप के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन करानी है, इसका मतलब कि ये जो राउटर है इसको ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी के रूट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात होती है, ठीक है। नाउ अब रिडिस्ट्रीब्यूट कराना किसको है, ओएसपीएफ को, उसकी प्रोसेस आईडी लिखो। मैट्रिक, अब देखो मैट्रिक लिखते हैं किसकी, ओएसपीएफ की नहीं, जिसके अंदर रूट रिडिस्ट्रीब्यूट कराना है, ध्यान से सुनना, मैट्रिक उसकी लिखनी है जिसके अंदर रूट डालना है, ना कि जिसका रूट डालना है। तो यहां मैट्रिक रिप की लिखनी है, रिप की क्या होती है मैट्रिक, होप काउंट 1 to 16 जाती है। अब 1 लिख दो, 2 लिख दो अभी फिलहाल के लिए, तो अच्छा ये मैट्रिक थोड़ा अगर आपने रिप पढ़ी हो ना वहां समझ आ जाएगा, जितना दूर आपका राउटर होता है ना, 2 होप अवे है, 3 होप अवे है, उसके हिसाब से लिखना होता है। चलो मैं 5 लिख दूं ज्यादा से ज्यादा, बट अभी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 1 होप अवे ही है, ठीक है। फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना है आपको, रिडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी को, उसका एएस नंबर एंड मैट्रिक, फिर वही रिप की, दैट्स इट।
इतना करते ही तुम्हारी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए किससे, क्या बोलते हैं, एएससी के थ्रू, रिप में, ठीक है ना। अब मेरे को क्या कराना है, रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इनटू ओएसपीएफ, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम, मैं इनटू यूज करूंगा वर्ड पहले, कि राउटर ओएसपीएफ के अंदर अब मेरे को रिप और ईआईजीआर पे डालने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, बैटरी किसकी यूज होगी, ओएसपीएफ की। तो आरआईपी, इसका तो कोई प्रोसेस आईडी एएस नंबर नहीं होता, बस मैट्रिक। मैट्रिक में ओएसपीएफ की जो आपकी वो है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक कह लो या जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो सबसे आसान है, क्योंकि उसमें तुम्हें सिंपली बस एक कीवर्ड लिखना होता है, सबनेट्स। इसमें मैट्रिक डालनी ही नहीं होती। ऐसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट, ईआईजीआरपी, प्रोसेस आईडी और सबनेट्स, दैट्स इट, ठीक है। अब किसके अंदर डालना आपको, ईआईजीआरपी के अंदर, प्रोसेस आईडी वही जो पहले आपके ऑलरेडी राउटिंग टेबल में पड़ी है एएसए के पास। फिर इसका मतलब अब मैट्रिक किसकी यूज होंगी, ईआईजीआरपी की। मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जो मेरी राउटिंग वाली सीरीज है, सीसीएनए वाली, उसमें देख लेना आप बेशक, सेम कॉन्सेप्ट है। बस फायरवॉल के केस में कैसे करना है वो थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी कमांड सिमिलर है, कोई फर्क नहीं। तो ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट, रिप, मैट्रिक। अब के फाइव, फाइव के वैल्यूज यूज होती है, K1, K2, K3, K4, 5, और कौन सी होती है, देखो यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले बैंडविड्थ, तो मैं गिग के लिंक यूज कर रहा हूँ 1000, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने किलोबिट पर सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा। और फिर नेक्स्ट मैट्रिक क्या होती है बैंडविड्थ के बाद, फिर तुम्हारा आता है डिले, तो आई गेस 10 होता है तुम्हारा 1000 Mbps वाले का, 10 माइक्रो सेकेंड डिले होता है। रिलायबिलिटी मैक्सिमम डालो, फिर जो आपका लोड है मिनिमम डालो, फिर MTU है आपका डिफॉल्ट डालो, दैट्स इट। सेम काम किसके लिए कर दो आप, EIGRP के लिए, दैट्स इट। रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, उठा नहीं रहा, वाई, लेट मी चेक। अच्छा, EIGRP में तो आप डाल ही रहे हो ना, OSPF डालना है, ठीक है, OSPF 1, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, अब अगर मैं EIGRP वाले से शुरू कर लो या रिप वाले से कर लो, तो शो आईपी रूट चेक करोगे तो यू कैन सी इट हैज ऑल द रूट्स, 2 का है, 33 का है, 3 का है, 4 का है, और 22 का है, 44 का है, सारे रूट आ गए ना इसके अंदर, और 1 और 11 नहीं आया होगा, बिकॉज वो बीजीपी का है, उसकी रिडिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ईएक्स क्यों लिखा है, अगर आपने ईआईजीआरपी पढ़ी होगी हमारी रिडिस्ट्रीब्यूशन में या सीसीएनपी में, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल रूट होता है ईआईजीआरपी की, 2 AD वैल्यूज होती है, 90 एंड 170। तो जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट होते हैं ईआईजीआरपी के, वो DEX से रिप्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल रूट होते हैं। देखो, शो रूट करोगे, जो ईआईजीआरपी के रूट है उनको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी AD वैल्यू 90 होती है, ठीक। लेकिन जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो उनको ईएक्स, एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी AD वैल्यू अलग होती है फिर, राइट। ओएसपीएफ पे चेक कर लो, शो आईपी रूट, तो यहाँ पे तुम्हें रिप और EIGRP सब क्या आएंगे, इसमें OE2 लिखा आता है, E1 E2 होते हैं ओएसपीएफ में, तो ये E2 लिखा आएगा तुम्हें, तो उससे पता चल जाएगा कि ये एक्सटर्नल रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट है, और AD लेकिन इसके अंदर चेंज नहीं होती, 110 ही रहती है। तो इसके अंदर देखो सारे आगे 2 3, तो अब तुम किसी को भी पिंग कर लो, ऐसे तुम्हारा रिप का आ जाएगा। रिप में चेक करोगे जाके तो अपनी क्या बोलते हैं, रिप में भी OSPF, EIGRP सबके रूट आ जाएंगे। तो मैं लेट से R3 से किसको पिंग कर लो, 2 वाले को कर लो, नहीं हो रहा, ओके, व्हाई इज दैट। लेट से मैं यहां से पिंग करूं, पिंग 3 को पिंग करो, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अभी एक और चीज जो है वो ध्यान रखनी है आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने लिख रखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये सब वही है जो मैं अभी बता के हटाऊँ आपको, कह रहा कि टेस्टिंग के टाइम पे अभी भी नहीं हो रहा है। रीजन वही है, क्योंकि अभी जो मेरे ये सारे इंटरफेसिस, चेक करो जरा, शो नेम इफ, ये कितने सिक्योरिटी लेवल पे बैठे हैं अभी, 100 पे। तो क्या कह रहा है रूल, कि भाई सेम सिक्योरिटी लेवल के बीच में देर इज नो ट्रैफिक फ्लो पॉसिबल, है ना, बाय डिफॉल्ट डिनाइड होता है। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखी है उधर, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट, ये याद है मैंने आपको शुरू में बताया था, इंटर इंटरफेस एंटर। नाउ इफ यू ट्राई योर पिंग शुड बी डन, नाउ इफ यू ट्राई योर पिंग शुड बी डन, सो दैट्स इट।
आई गेस इट मेक्स सेंस एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड या इन अप टू दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन, सो आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव.